तो जो आप टंकी देख रहे हैं इसका स्टार्टर, स्टेबलाइजर और समरसेबल तीनों के तीनों ख़राब है। पानी मिलने में बहुत ही परेशानी हो रहा है और बाकी लोगों के पास पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये इनका यहाँ नल टोटी नहीं लगा हुआ है, देखिए ये नल जल खराबी कब से है, ये नल जल कब से खराब है, 3 महीने से। ये पानी नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है आप लोगों को? जी पहले मिलता था लेकिन अब नहीं मिल रहा है। ये टूटा हुआ है, कोई बनाया बनाया है कि नहीं? नहीं जी कोई नहीं बनाया हुआ। स्टैंड पोस्ट कभी लगा था? नहीं लगा था। तो ये पानी आप लोग कहाँ से अभी व्यवस्था करके पी रहे हैं? पानी अभी हम लोग दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, उसके बाद व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो इसका कंप्लेन कहीं पर किए हैं वार्ड मुखिया को? किए हैं कितना बार लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये देखिए लालगढ़ प्रखंड के करताहा बुजुर्ग पंचायत के वार्ड नंबर 5 में ये जल नल का ये स्थिति है। ये ग्राम पंचायत राज करताहा बुजुर्ग वार्ड नंबर 5 प्रखंड लालगढ़ का ये स्थिति है। पानी कब से नहीं मिलता है? मोटामोटी 4-5 महीना से नहीं मिला। आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं? पानी अभी चापाकल से पीते हैं। ये स्टैंड पोस्ट जो ऐसे धरे हुए, स्टैंड पोस्ट नहीं लगा है कभी? ठीक है, इसकी किस सूचना मुखिया को दिए हैं? हम लोग बोले हैं बाकी अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है। नहीं सुनवाई। आपका नाम क्या है? किरण देवी। ये नल जल का पानी मिलता है कि नहीं आप लोगों को? कब से नहीं मिल रहा है? पानी आप लोग कहाँ से पी रहे हैं? इसमें अथी नल टूटी लगा था कि नहीं लगा था? टूट गया था। नल जल कब से नहीं चल रहा है? कितना महीना से बंद? 2-3 महीना। देखिए यही नल जल का स्थिति है, इसमें स्टैंड पोस्ट नहीं लगा हुआ है। देखिए नल जल का स्थिति है। ये पानी कब से ना मिला था? 2-3 महीना हो गया पानी। ये टूटी उटी ना लगला था अभी तक? ये देखिए सीसी का बोतल लगा हुआ है, नल है, इसमें नल टूटी नहीं लगा हुआ है। कितना दिन से ही पानी बंद है? 2 महीना से पानी बंद है। पानी कहाँ से लाते हैं? ओ अलग से लाते हैं। टोटी कभी लगा था कि नहीं लगा था? पानी कब से ना मिलता है? ओ पानी नहीं मिलता है आप लोगों को, पानी अलग से लाते हैं ढो के। नल टोटी नहीं लगा हुआ है। तो भी कल जो हमारा है वो खराब हो चुका है, कुआं है एक पास में उससे तो अभी काम चलता नहीं है। अच्छा ये स्टैंड पोस्ट लगाने के लिए किसी को एप्लीकेशन दिए थे? देखिए कई बार तो कंप्लेन किया गया है पर इस पर कोई कार्रवाई हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा? पंचायत सचिव को जी दिया गया था लेकिन अभी तक इसका मरम्मती का काम नहीं हो रहा। यही है नल जल का स्थिति। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। ये नल जल कब से खराब है? 2-3 महीना से खराब। पानी नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा। आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? सामने कल पर कल्ला से लाते हैं। ओ ढोकर लाते हैं अलग से। ठीक है, सब नल की स्थिति। आपका नाम क्या हुआ? हाँ अमरीश राय। ये नल जल का पानी कब से नहीं मिलता है? 2 महीना से पानी नहीं मिल रहा है। पानी आप लोग कहाँ से व्यवस्था करते हैं? पानी दूसरे जगह से लाते हैं। टोटी उटी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? नहीं लगा है। अच्छा ये प्रूफ है जिससे पता आपको चल जाएगा कि कंप्लेन किया गया है कि नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये प्रूफ देख रहे हैं जो कि वार्ड रीना देवी को कंप्लेन किया गया है। ये देखिए ये वार्ड सदस्य द्वारा पीआरडी कनीय अभियंता लालगंज को ये सूचित किया गया लेकिन वो भी ये नल जल की काम नहीं करवाए और उसके बाद जिला पंचायती राज पदाधिकारी हाजीपुर को भी ये लिखित आवेदन 2/11/2022 को दिया गया लेकिन वो भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिए। उसके बाद जिला उप विकास आयुक्त हाजीपुर को भी ये नल जल की मरम्मती के लिए 2/11/2022 को सूचित किया गया लेकिन वो भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और प्रखंड विकास पदाधिकारी लालगंज को भी ये सूचना लिखित सूचना ना दिया गया 21/10/2022 को लेकिन वो भी ये सचिव को खबर किए थे। हाँ लेकिन अभी तक नहीं बनाया। नहीं बना।
ये देखिए करताहा बुजुर्ग के वार्ड नंबर 5 में नल जल का यही स्थिति है। यहाँ नल टोटी नहीं लगा हुआ है, देखिए करताहा बुजुर्ग के वार्ड नंबर 5 में नल जल का पानी नहीं चल रहा है, जिसके के कारण यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। किल्लत है।